अब आइए आपको सीधे लिए चले, गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा। उसे नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया बंधुओं का, हम धन्यवाद अदा करेंगे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी विकास मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। नए संसद भवन को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है उस पर भी उन्होंने कहा कि संसद भवन बनकर के तैयार है और 28 तारीख को इसका उद्घाटन भी होने वाला है। जो सियासत कर रहे हैं सियासत अपनी तरफ, लेकिन नया संसद भवन भव्य रूप से बनकर तैयार हो चुका है। अब आइए आगे बढ़े, मेरठ से बड़ी खबर है। मेरठ नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप वाला ऑडियो वायरल हुआ है। मेरठ नगर आयुक्त पर पैसे लेकर के पद देने का आरोप है। नगर निगम के बाबू हरिकांत का ऑडियो वायरल, भ्रष्टाचार की खबर चलाने के लिए अखबार के पत्रकार से बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा के पूर्व स्टेनो और लिपिक खजाना हरिकांत का ऑडियो वायरल हो रहा है जो सोशल मीडिया पर लगातार प्रसारित हो रहा है। ऑडियो में आप सुन सकते हैं, आपको सुनाएंगे कुछ देर के बाद। ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर पैसे लेने की बात कही जा रही है। नगर आयुक्त पर पैसे लेकर के पद देने का आरोप लगा है और पैसा अपर नगर आयुक्त ममता मालवीय के जरिए देने की बात हो रही है। नगर निगम निर्माण विभाग के बाबू प्रदीप जोशी को चेक राइटर और बाबू संजय मोहन को निर्माण विभाग का बड़ा बाबू बनाने के लिए पैसे लेने का आरोप है। मलाईदार पद देने के लिए मोटी रकम ली गई और वायरल ऑडियो के मुद्दे की को सदन में उठाने की बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी इसे लेकर गंभीर आरोप लगा रही है। सियासत भी शुरू हो चुकी है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने मेरठ नगर निगम को लेकर मोर्चा खोल दिया। अतुल प्रधान ने कहा है कि इस मामले में जांच होकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आरोप वाला ऑडियो वायरल हो रहा है मेरठ नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप, और भ्रष्टाचार को लेकर ही जो ऑडियो है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की खबर चलाने के लिए पत्रकार से बातचीत का ऑडियो, नगर निगम के बाबू हरिकांत का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अब हमलावर नजर आ रही है। देखिए, वायरल ऑडियो को सुनिए। इसमें हो रही बातचीत में अपर नगर आयुक्त ममता मालवीय का भी जिक्र है, हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता। हेलो, हाँ भैया, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, फोन जा रहा था आपका। मैं घर पे था, संडे था। अच्छा, ना हाँ हाँ। एक बड़ा वो करने वाला है, घोटाला मामला इनका। अच्छा, इसने नगरायत में पैसे खा लिए। हाँ, नगरायत में पैसे खा के जो प्रदीप जोशी है ना, जोशी जो निर्माण का बड़ा बाबू है, उसे तो अकाउंट में भेज रहे हैं चेक राइटर के पद पे। अच्छा, और इसे संजय मोहन को अभी तो साइड में फेंक रखा, संजय मोहन को वहाँ भेज रहे हैं निर्माण का बड़ा बाबू बनाने। अच्छा, हाँ, इन दोनों का बहुत बड़ा वो चल रहा है क्योंकि चेक राइटर और निर्माण का बड़ा बाबू नगर निगम की सबसे सोने की सीट है दोनों। अच्छा, हाँ बिल्कुल पक्की खबर है, और ना अगर तुम खबर निकाल दोगे तो इनका होने का ही नहीं। अच्छा, नगरायत को पैसे दिए इन्होंने ममता मैडम के थ्रू। अच्छा, इसे इसे अकाउंट में चेक काटने पे चेक राइटर। अच्छा, जैसे क्या नाम है, प्रदीप जोशी को चेक राइटर, संजय मोहन को निर्माण का बड़ा बाबू हेड क्लर्क। ठीक, मुख्य लिपिक निर्माण विभाग। ठीक, हाँ, के साजिश करी जा रही है, इन्हें वहाँ पे इन्हें दोबारा से मलाईदार सीटों पे पहुँचाया जा रहा है। ठीक, हाँ हाँ, चला दो, ये सब जगह चला दो। अब समाजवादी पार्टी इसी ऑडियो की जांच की मांग कर रही है। इसे लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सपा विधायक अतुल प्रधान का आरोप है कि गिरोह बनाकर के मेरठ नगर निगम में वसूली की जा रही है। भ्रष्टाचार पर सपा ने मोर्चा खोल दिया मेरठ नगर निगम में। भाजपा पर गिरोह बनाकर के भ्रष्टाचार करने का आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है, और साथ ही सपा विधायक अतुल प्रधान का आरोप है कि गिरोह बनाकर के मेरठ नगर निगम में वसूली की जा रही है और भाजपा पर सीधा यह हमला है। इस मामले को सदन में उठाएंगे, अतुल प्रधान ने कहा है। इस पूरे के मामले को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, सदन में इस बात का जिक्र किया। के पास भी आई है, क्या लग रहा, कितना गंभीर मामला मान रहे? देखिए, एमडीए से पूरा नगर निगम से पूरा
जिला प्रभावित होता है, वहाँ पर कौन अधिकारी किस पोस्ट पर बैठा है और किस तरीके से पैसे की बंदरबांट कर रहा है, ये बहुत ही संगीन मामला है। हम जो ऑडियो है इसके साथ साथ अन्य जो वहाँ पर भ्रष्टाचार है, हम कहना चाहते हैं कि IAS अधिकारी वहाँ पर पोस्ट है, ऐसी सब बातों का वो संज्ञान लें और संज्ञान लेकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। साथ साथ हम शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि नगर निगम जो एक बहुत बड़ा पब्लिक वेलफेयर की संस्थान है, उस पब्लिक वेलफेयर के संस्थान में किस तरीके से पैसे का बंदरबांट हो रहा है, इसके ऊपर संज्ञान होना चाहिए। मैं इन सब बातों को लेकर आने वाले सदन में मुद्दे और विषय उठाऊंगा, उन सब बातों को लेकर नगर आयुक्त से मिलना पड़ेगा, नगर आयुक्त से मिलेंगे, कमिश्नर साहब से मिलना पड़ेगा, कमिश्नर साहब से मिलेंगे, और विजिलेंस की टीम से संपर्क करना पड़ेगा, उनसे भी टीम से संपर्क करके हम लोग शासन प्रशासन तक और इन बात को सदनों में उठाने का काम करेंगे। धुरंधर अगर कोई भ्रष्ट बेईमानी में निकलेंगे तो भाजपा के नेता निकलेंगे। हम कहना चाहते हैं इनके भाजपा के नेताओं के चेहरे अलग हैं और इनका अंदर का कुछ और सीन है, ये हम सब लोगों से कहना चाहते हैं, जनता से खास तौर से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को पहचानिए, जानिए, और नगर निगम के भ्रष्टाचार से जनता को डायरेक्ट परेशानी होती है। सीधा कह रहे हैं कि सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि इस तरह के भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनु शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। देखिए, मेरठ नगर निगम में भ्रष्टाचार और किस पर यह आरोप है आपको विस्तार से बताएं। नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा पर पैसे लेने का आरोप लगा है, पैसे लेकर के मलाईदार पद देने का आरोप है नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा पर। किसके जरिए पैसे लिए ये भी आप जान लीजिए। आयुक्त ममता मालवीय के जरिए पैसे लेने का आरोप लगाया गया है और किसने पैसे दिए ये भी आप जानिए। प्रदीप जोशी, बाबू नगर निगम निर्माण विभाग और चेक राइटर के पद के लिए प्रदीप जोशी ने पैसे दिए। संजय मोहन, बाबू निर्माण विभाग का बड़ा बाबू बनाने के लिए पैसे देने का आरोप है। वायरल ऑडियो में प्रदीप जोशी और संजय मोहन का जिक्र किया गया है, जो ऑडियो हमने आपको सुनवाया। और किसने ये आरोप लगाए हैं ये भी आप जानिए। नगर निगम का बाबू हरिकांत पत्रकार से बातचीत में आरोप लगाए गए हैं, पत्रकार से बातचीत का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जो ऑडियो हमने आपको सुनवाया। हरिकांत नगर आयुक्त का पूर्व स्टेनो और लिपिक खजाना है, भ्रष्टाचार की खबर चलाने के लिए पत्रकार से बातचीत की और ये पूरा की ऑडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है, समाजवादी पार्टी सीधे भाजपा पर टारगेट कर रही है। सनुज मेरे साथ इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सनुज, जो नगर आयुक्त पर पद देने के लिए पैसे लेने का ये आरोप लग रहा है सीधे सीधे, इसकी सच्चाई है क्या, क्या कहा जा रहा है इस वायरल ऑडियो के बारे में सनुज? हाँ देखिए, वायरल ऑडियो को लेकर पूरे मेरठ में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लखनऊ दिल्ली तक ये ऑडियो वायरल हो रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे नगर निगम मेरठ में खलबली मची हुई है। अब इसको लेकर देखिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या किसी के इशारे पर इस शख्स ने ये बातें कही या इस तरह की जो चर्चाएं हैं, जो हरिकांत है नगर आयुक्त के जो पूर्व स्टेनो है, कि किसी के कहने पर नगर आयुक्त को टारगेट किया गया? ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया सनुज आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आइए आगे बढ़े, अमरोहा से खबर है। 2024 लोकसभा चुनाव में जुटे RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी, बागपत के बाद अमरोहा में जयंत का जनसंपर्क अभियान, कार्यकर्ताओं के साथ में डोर टू डोर जनता से मिल रहे हैं जयंत चौधरी, खबर है। और आज कई गांव में जाएंगे जयंत चौधरी, अमरोहा में कुबी गांव में किसानों के साथ धरने पर बैठेंगे जयंत चौधरी, ये भी खबर है। अब सीधे सीधे ऐसे समझिए आप कि 2024 लोकसभा चुनाव में वो जुट चुके हैं पूरी तरीके से। बागपत पहले वो वहां पर कार्यकर्ताओं से मिले, कई कार्यक्रमों में शिरकत किया और उसके बाद अब अमरोहा पहुंचे। अमरोहा में जयंत का जनसंपर्क अभियान है, कार्यकर्ताओं के साथ में डोर टू डोर जाकर के जनता से वो मिल रहे हैं। आज कई गांव में उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है, अलग अलग गांव में जाएंगे, वहां पर जयंत कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता से भी वो संवाद स्थापित करेंगे। कुबी गांव में किसानों के साथ धरने पर भी बैठेंगे जयंत चौधरी, ये जानकारी है। तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए लगातार वो अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, पहले बागपत और अब अमरोहा में आज कई गांव के में जाकर के जनता से वो बातचीत करने वाले हैं। मिशन 2024 की तैयारी में जुट चुके हैं RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी। देखिए, जयंत चौधरी का 2024 के लिए चक्रव्यूह क्या है ये आप समझिए। जयंत चौधरी का 2000 के लिए पूरा ही चक्रव्यूह, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गांव गांव जाकर के संपर्क अभियान वो चला रहे हैं और समरसता अभियान से पश्चिमी यूपी में रालोद को और मजबूत करना उनका मकसद है, उनका लक्ष्य है। रालोद के खिसके वोट बैंक को फिर से साथ लाने की योजना वो बना रहे हैं और किसानों को समरसता अभियान के जरिए साथ लाने की रणनीति बनाते हुए सीधे दिखाई दे रहे हैं जयंत चौधरी। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में किसानों और किसान RLD का मूल वोट बैंक है। जयंत चौधरी का दलित गुर्जर वोट बैंक पर भी खासा फोकस है, साथ में
जाट मुस्लिम समीकरण के साथ दलित गठजोड़ पर भी जयंत चौधरी का फोकस समझ में आ रहा है। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम के बाद दलित वोटर्स की निर्णायक भूमिका है और समरसता अभियान के जरिए जानकारी ये भी कि युवाओं के साथ भी वो जुड़ेंगे, युवाओं को साधने का भी उनका पूरा प्लान है। आम मुद्दों को उठा करके पार्टी के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जयंत चौधरी, और सीधा सीधा उनकी जो नजर है या फिर फोकस है वो समझिए 2024 पर है। निकाय चुनाव में रालोद का प्रदर्शन कैसा रहा ये आप बता दें। बागपत, मुजफ्फरनगर, बिश्नौर में अच्छा प्रदर्शन किया आरएलडी ने, और रालोद ने मेयर की किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था। जिन नगर पालिकाओं में उम्मीदवार उतारे वहां पर आरएलडी को जीत मिली है। बागपत नगर पालिका पर जयंत की पार्टी ने कब्जा जमाया है। मुजफ्फरनगर की खतौली पर भी रालोद की जीत हुई है, और साथ ही बिश्नौर की धामपुर और नटहौर भी जयंत की पार्टी जीती है। इसके अलावा हालांकि शामली नगर पालिका में रालोद का प्रत्याशी हार जरूर गया, इस हार को लेकर भी लगातार मंथन कर रहे हैं जयंत चौधरी। कई नगर पंचायतों पर भी रालोद के चेयरमैन बने हैं और कई सीटों पर नजदीकी मुकाबले में रालोद के मेंबर हारे हैं। निकाय चुनाव में सपा और रालोद का गठबंधन था, किसी भी मेयर सीट पर रालोद ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन जहां जहां पर भी अपने प्रत्याशी उतारे थे नगर पालिका नगर पंचायत में वहां पर अच्छा परफॉर्म किया है रालोद ने। संसद के उद्घाटन सत्र में, संसद भवन के उद्घाटन सत्र में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं होने वाली है, हिस्सा नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र की मूल आत्मा को मार रहे हैं, ये सीधा सीधा सुनील सिंह साजन ने कहा है। पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, उस पर डाका डाल रहे हैं, और क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, सुनवाते हैं। कि बीजेपी सरकार द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं, न लोकतंत्र मान रहे हैं, न लोकतांत्रिक नियमों को मान रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। जो बीजेपी के लोग सारे संस्थानों को निजीकरण कर रहे हैं, देश के पैसे को निजी हाथों में दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, चुनाव में धांधली कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को प्रशासन के द्वारा गिरा करके अपनी सरकार बना रहे हैं, जिस बीजेपी को संविधान पर, लोकतांत्रिक नियमों पर भरोसा नहीं है, उनके नेताओं के द्वारा किए जा रहे संसद भवन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। तो नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी शामिल हिस्सा नहीं लेगी, शामिल नहीं होगी, ये कहा है सुनील सिंह साजन ने। एक बार फिर से उनकी पूरी बात आपको सुनाते हैं। सुनील सिंह साजन सपा प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए एक बार फिर से। कि बीजेपी सरकार द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं, ना लोकतंत्र मान रहे हैं, ना लोकतांत्रिक नियमों को मान रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। जो बीजेपी के लोग सारे संस्थानों को निजीकरण कर रहे हैं, देश के पैसे को निजी हाथों में दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, चुनाव में धांधली कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को प्रशासन के द्वारा गिरा करके अपनी सरकार बना रहे हैं, जिस बीजेपी को संविधान पर, लोकतांत्रिक नियमों पर भरोसा नहीं है, उनके नेताओं के द्वारा किए जा रहे संसद भवन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। तो लखनऊ से खबर, विपक्षी अब अलग अलग दल लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, इसी पर सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने भी अपनी बात रखी, अपनी पार्टी का स्टैंड बताया। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में सपा भाग नहीं लेने वाली है, भाजपा पर लोकतंत्र के साथ मजाक करने का आरोप लगाया, उनकी पूरी बात हमने आपको सुनवाई। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं होने वाली है।
अब आइए सीधे आपको ले चले, मेरे साथी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं इसी पर अधिक जानकारियों के साथ। अविनाश, देखिए लगातार सियासत, एक तरफ तो सरकार अपनी उपलब्धियों को भी गिना रही है, थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह भी सामने आए थे, वो बता रहे थे कि एक तरफ सियासत जो हो रही है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है और ये संसद भवन जो बनकर तैयार हुआ है पूरे देश का है। वहीं अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं होगी और इसका हिस्सा नहीं बनेगी समाजवादी पार्टी। अविनाश जी बिल्कुल, अगर बात करते हैं संयुक्त विपक्ष की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि संयुक्त विपक्ष इसमें नए संसद भवन के उद्घाटन के समारोह में शामिल नहीं होगा। उनमें अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, इसके अलावा टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, तो ऐसे करके 19 दल कुल है जो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं शामिल होंगे। क्योंकि इनका तर्क है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया है, इस वजह से ये तमाम तरह जो दल है वो नए जो संसद भवन बन रहा है उसके उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनकी एक ही मांग है कि जो कि राष्ट्रपति संसदीय परंपरा की सबसे सर्वोच्च पद पे होती है, तो लिहाजा राष्ट्रपति ही इस नए संसद भवन को उद्घाटन करे तब वो लोग शामिल होंगे, अन्यथा नहीं शामिल होंगे। वहीं अगर दूसरी बात करें तो बीजेपी ने भी अपनी ओर से साफ तौर पर कह दिया है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने बहिष्कार का ऐलान किया है वो फिर से अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, उनका ये बयान निकल गया है, उन्होंने साफ तौर पर अपील की है कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और ये जो प्रतीक है संसद भवन का वो सभी लोगों के लिए हर्षों के विषय होना चाहिए और सभी लोगों को जो है इसमें शिरकत करनी चाहिए, इसमें विरोध नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी से लेकर के उत्तर प्रदेश में जय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल सभी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो लोग नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं शामिल होंगे और जब ये उद्घाटन होगा तो वो लोग इस पूरे उद्घाटन समारोह में कहीं पर भी नहीं शामिल होंगे क्योंकि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से कई सारे नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि अगर नहीं शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर ठीक है, ठीक है अविनाश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।